हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेनेसेंस इन इंडिया एंड इट्स लीडर, भारत के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण और उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे आंदोलन भारत में आपको हुए, मूवमेंट्स हुए, तो उनके बारे में थोड़े से शॉर्ट हम लोग चीज़ें आपको देखने वाले हैं। ऐसे दो चार छोटे छोटे वीडियोज में और लाने वाला हूँ। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था आत्मीय सभा, एंड आत्मीय सभा जो है इट वॉज एस्टैब्लिश अराउंड 1818 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ बाय द राजा राम मोहन रॉय। और एक्चुअली जब ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश हुआ तो उसके पहले उन्होंने इस आत्मी सभा का स्टैब्लिशमेंट किया था। उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट समाज है वो है ब्रह्मो समाज, एंड द ब्रह्मो समाज वाज स्टैब्लिश बाय यू नो दैट आपके राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इसको पहले ब्रह्मो सभा कहा जाता था और फिर 1828 में इसको ब्रह्मो समाज कहा गया। इसका मेन जो पर्पज था कि भारत के अंदर जो कुरीतियां हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई या स्पेशली जो सती प्रथा हो गई, तो उसके खिलाफ बड़ा एक आंदोलन जो है राम मोहन रॉय ने यहाँ पर आपको चलाया। और उसके माध्यम से वो लोग बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करना, साथ में मतलब ऑब्वियसली बात संस्कृत एजुकेशन भी सपोर्ट करते थे, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करना, उसके साथ में भारत के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, स्पेशली हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की बात करना, महिलाओं के उत्थान या उनके डेवलपमेंट की बात करना, इसके लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज आपको बनाया। और इस समाज का जो मेन थीम था वो था मोनोथियिज्म, एकेश्वरवाद, जो अगर देखा जाए तो बहुत सारे धर्मों का एक मेन फिलॉसफी आपको होता है। इन्होंने तमाम अलग अलग धर्मों से जो अच्छी चीजें थी उन अच्छी चीजों को लिया और ब्रह्मो समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो उस समय पे काफी ज्यादा प्रचलित हुआ और अभी भी समय के समय पे भी कई सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। ब्रह्मो समाज से ही एक और दूसरा समाज निकला, उस समाज का नाम था आदि ब्रह्म समाज, एंड द आदि ब्रह्म समाज इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने स्थापित किया। तो ये भी जो आपके ब्रह्मो समाज थे उसी के सदस्य थे, लेकिन जब थोड़ा बहुत उनका केशव चंद्र सेन से अनबन हुआ तो उन्होंने अपना एक नया समाज आदि ब्रह्मो समाज के नाम से आपको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद यहाँ से एक और समाज निकला, उसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज, और ये ब्रह्मो समाज जो है आनंद मोहन बोस, फिर कॉल्ड द शिवाब चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया। इनका भी सेम इशू था कि ये केशव चंद्र सेन और बाकी लीडर्स की जो फिलोसफी है उनसे प्रभावित नहीं हो पा रहे थे, उनसे कुछ अलग जानना चाहते थे, और एक और समाज बना, उसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश बाय द केशव चंद्र सेन, जो आपके स्पेशली जब ये आए समाज में तो उस समय पे ये राम मोहन राय वगैरह के जो उनकी फिलॉसफी थे उससे ज्यादा एग्री नहीं करते, तो इन्होंने अपना उसी से एक अलग अपने अनुयायियों के साथ में एक अलग समाज बना लिया था। इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट समाज, ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, चारों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर आपको, या तीन जो है आदि, साधारण और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से आपको निकले हैं। फिर एक और सोसाइटी थी उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, और तत्वबोधिनी सभा में एक्चुअली जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे तो ये पहले उस तत्वबोधिनी सभा को एस्टैब्लिश किया और बाद में ये ब्रह्मो समाज में एस्टैब्लिश हुए। इन्होंने तत्वबोधिनी करके एक मैगजीन जो है वो मैगजीन भी ये लोग पब्लिश करते थे, किताब पब्लिश करते थे, उसका नाम था तत्वबोधिनी करके, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट समाज था वो था प्रार्थना समाज, एंड प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंगा, और इन्होंने बॉम्बे में आपको एस्टैब्लिश किया। अब इसका भी मेन समाज था कि हिंदू धर्म में जो कुरूतियां हैं, जो आपके जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना, सोशल इश्यूज हैं उनके खिलाफ आपको बोलना, तो उसके लिए प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंगा ने आपको एस्टैब्लिश किया। अगला जो इंपॉर्टेंट सोसाइटी था वो तब दो इंपॉर्टेंट सोसाइटीज थी, एक बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी। तो दो ऑर्गेनाइजेशन आपको एस्टैब्लिश हुए और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए बाल शास्त्री जांबेकर ने, जिनको मराठी जर्नलिज्म का पिता, तो फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म आपको कहा जाता है, और इन्होंने भी समाज सुधार के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट जो कदम है वो कदम आपको उठाए ना, महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं स्पेशली पुणे से। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है गोपाल हरि देशमुख, और इनको लोकहितवादी के नाम से जाना था, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। अब इन्होंने कई सारे पेपर्स एस्टैब्लिश किए, जैसे प्रभाकर, हितेचू, सुधार, और इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से समाज में सुधार या डेवलपमेंट जो है उसकी बात आपको करते थे। कई सारे स्कूल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए, जैसे न्यू इंग्लिश स्कूल, फिर डेक्कन एजुकेशनल स्कूल, फर्ग्यूसन स्कूल, ऐसे कई सारे स्कूल एस्टैब्लिश किए जिसका मेन मकसद था बच्चों का एजुकेशन या बच्चों को आपकी शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद इनकी बायोग्राफी जो खुद की लिखी गई उसका नाम था फुटके नसीब, तो इनकी खुद की फुटके नसीब मतलब फूटे हुए नसीब, ऐसे करके एक बायोग्राफी जो है उन्होंने अपने खुद के लिए, मतलब बायोग्राफी ऑब्वियसली बात कोई और लिखता है, तो इनकी इस तरीके से एक बायोग्राफी यहाँ पर आपको लिखी गई। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट सोसाइटी था वो था रामकृष्ण मूवमेंट या रामकृष्ण मिशन भी उसको कहा जाता है, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द स्वामी विवेकानंद,
और इसका मकसद आपको था कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, जो आपके कलकत्ता के अंदर एक काली मंदिर था और उस काली मंदिर के अंदर वो पूजा करते थे, और वहां से फिर उनके जो विचार थे आपके स्वामी राधा रामकृष्ण परमहंस के, उन विचारों को उन्होंने पूरे देश में, पूरे इंडिया के अंदर आपको फैलाना शुरू किया। और उसके लिए विवेकानंद ने आपके रामकृष्ण मिशन जो आश्रम है इसकी शुरुआत की, जिसका मेन जो फिलोसफी था वो मेन फिलोसफी था ह्यूमनिज्म या मानवतावाद, जहाँ मानव की जो सेवा है, मानव की सेवा करना उसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद अगले जो समाज था उसका नाम था आर्य समाज, एंड आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। और उनका मेन मकसद उस समय था कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां आ गई, इनका मानना था कि जो जो पुराण है या दूसरी ऐसी कई सारे स्क्रिप्चर्स आपको आ गए हैं आजकल, ये स्क्रिप्चर्स या जो कई सारी किताबें हैं, ये लोगों को धर्म से धीरे धीरे आपको भटका रही है, धीरे धीरे धर्म से आपको दूर कर रही है। और इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया, गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ वापस जाओ, और वेदों की तरफ जाओ। और इस प्रकार से जो भी कर्मकांड वगैरह जो है उनका बड़ा विरोध किया। उसके बाद एक किताब उन्होंने लिखी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और उसका मेन मकसद आपको कि जो भी धर्म में कुरीतियां हैं उनको दूर करने की बात करना, दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म को कंपेयर करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सत्यार्थ प्रकाश में आपको लिखी गई। इट वाज रिटन बाय द दयानंद सरस्वती। अगला जो इंपॉर्टेंट बुक जो सोसाइटी था वो था सत्य शोधक समाज, है ना। सत्य शोधक मतलब सत्य का शोधन करना, सत्य को बाहर निकाल के आना। तो सत्य शोधक समाज जो है, इट वॉज स्टैब्लिश बाय द ज्योतिराव फूले, या ज्योतिबा फूले के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने इसका स्टैब्लिशमेंट किया। और ये अगर देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के अंदर समाज सुधार को लेके काफी ज्यादा काम किया। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था गुलामगिरी, जिसके अंदर उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात की। स्पेशली दलित वर्ग या बाकी जितने भी डिप्रेस क्लासेस हैं उन लोगों के समानता या उन लोगों की इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने आपको फोकस किया। ज्योतिबा फुले, इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, तो उन्होंने भी महिला एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस किया। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था यंग बंगाल मूवमेंट, एंड यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टैब्लिश बाय द हेनरी विवियन डेरेजियो। इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया बंगाल के अंदर, ये जो कलकत्ता के अंदर जो कॉलेज था उस कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाते थे, और वहीं से इन्होंने फिर कोशिश की कि धीरे धीरे जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उन लोगों को धर्म के बारे में, बाकी जो तमाम चीजें हैं उन तमाम तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर आपको सिखाया जाए, उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाए। या आप उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक रैशनल थिंकिंग जो है, वो रैशनल थिंकिंग या तर्कवादी जो सोच है उसके तरफ आपको आगे लाया जाए। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था सोशल सर्विस लीग, एंड सोशल सर्विस लीग दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश बाय द नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने स्टैब्लिश किया, इसके साथ में नारायण मल्हार जोशी ने उस समय पे लाजपत राय के साथ में मिल, सॉरी बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आपको एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन मकसद था भारत के अंदर जो मजदूर वर्ग है या जो ट्रेड यूनियन का जो काम है उसको संभालना, मजदूरों का संघ बनाना ऑन द बेसिस ऑफ द रशिया, जो वहां पर जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 17 में, 1917 में, उसके आधार पर भारत में भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई। तो इसमें नारायण मल्हार जोशी जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था सेवा सदन, और सेवा सदन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैब्लिश हुआ बहराम जी एम मालाबारी नाम के एक व्यक्ति ने उसको स्टैब्लिश किया। मेन मकसद था लोगों की सेवा करना या समाज के अंदर विकास करना, सब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे। फिर एक समाज स्टैब्लिश हुआ देव समाज, और देव समाज जो है ये स्टैब्लिश हुआ लाहौर में बाय द शिव नारायण अग्निहोत्री, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शिव नारायण अग्निहोत्री। इनका मेन मकसद था समाज के अंदर जो भी जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, या उससे उन लोगों से धर्म को बचाना, एक कहीं ना कहीं धर्म का एक अलग जो साइड है, अदर साइड ऑफ द रिलीजन है, उसको प्रेजेंट करना। जो धर्म में रिफॉर्म वगैरह की जो बात करते थे तो उन लोगों के खिलाफ इन्होंने कई सारे जो आंदोलन है वो आंदोलन उन्होंने किया। अगला समाज था भारत भारत धर्म महामंडल, कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो थे कलकत्ता में, बॉम्बे में, इन ऑर्गेनाइजेशन में मिलके भारत धर्म महामंडल आपको बना, ये स्टैब्लिश हुआ वाराणसी में, और पंडित मदन मोहन मालवीय इसके एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको प्रमोट करने वाले थे। वॉज नॉट एक्चुअली द फाउंडर, क्योंकि दो चार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना था, तो एक्चुअल फाउंडर तो नहीं समझ सकते हम इसका, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने इसका काफी आपको सपोर्ट किया, काफी इसका साथ दिया। अगला जो मूवमेंट था वो था राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट ये जो मूवमेंट है
ये एस्टैब्लिश हुआ है तुलसीराम या सियान दयाल साहब ने इसको एस्टैब्लिश आपको किया, और ये एस्टैब्लिश हुआ आगरा के अंदर। मतलब अब जनरली अभी भी राधा स्वामी जो सत्संग वगैरह आप देखते होंगे तो ये वही राधा स्वामी मोमेंट है जो आगरा के अंदर तुलसीराम या फिर उनका नाम था शिव दयाल साहब जो है इन्होंने इसकी स्टार्टिंग, ही वॉज अ टीचर। बाद में उन्होंने धर्म सभार या धर्म के समाज को सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया। उसका अगला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योजक, या SNDP के नाम से, SNDP मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। एंड द मूवमेंट वॉज एस्टैब्लिश बाय द नारायण गुरु स्वामी, NGS उसको कहा जाता, नारायण गुरु स्वामी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, जिनका मेन मकसद था कि दक्षिण भारत के अंदर जो डिफरेंस क्लास है उनको विकसित करना, उनको आगे बढ़ाना, और उनके सुधार को लेके, उनके सोशल रिफॉर्म्स जो हैं, सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाना। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसका नाम था जस्टिस मूवमेंट, एंड जस्टिस मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश बाय द CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया। इसका भी मेन मकसद आपको जस्टिस मूवमेंट का था कि बेसिकली ये एक ऐसा मूवमेंट था जो प्रो ब्रिटिश था, तो ये जो भी ब्रिटिश करते थे उसका सपोर्ट करते थे, इवन दे सपोर्टेड द आपका जो साइमन कमीशन है उसका उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद तमाम जितने भी आंदोलन हुए, जैसे एग्जांपल के लिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, CDM हो गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, तमाम आंदोलनों का उन्होंने विरोध किया, हमेशा अंग्रेजों का सपोर्ट किया, साथ ही समाज सुधार के रूप में भी उन्होंने आपको काम किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ही पढ़ लो वही बहुत है, ठीक है। उसके साथ में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप जाके परचेज कर सकते हो, और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। उसके लिए सिंपली आपको जो मेरा कोड है पवन लाइव, वो पवन लाइव कोड यूज करना है। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस क्लासेस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।